हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। हरियाणा के अंदर सीटी से रिलेटेड कोई भी छोटा बड़े अपडेट आते हैं, जो भी नया लेटर आता है, सबसे पहले आपको हर एक जानकारी गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाती है। हरियाणा के अंदर जितने भी पास उम्मीदवार हैं, जिनका भी सीटी क्वालिफाई है, क्या उनको क्वालिफाई नेचर कर दिया गया है? गवर्नमेंट डेली मीटिंग ले रही है कि सीटी को क्वालिफाई करने की तैयारी में है। आपको बड़ी खबर देखने को मिल जाएगी कुछ ही एक वीक के अंदर अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक वीक के अंदर अंदर नया अपडेट मिल जाएगा क्या सीईटी क्वालिफाई होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर अब की बार ज्यादा वैकेंसियां होने वाली है। ज्यादा वैकेंसियों का मतलब है कि हरियाणा में जो वैकेंसियां है अब की बार धमाकेदार वैकेंसियां है। तो हरियाणा सरकार सभी बच्चों को मौका देने के चांसेस दे रही है कि जो 3.5 लाख युवा हरियाणा सीईटी ग्रुप सी का जो है अपने एग्जाम दिया था, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ था, मेंस जो आपका होने वाला है उसके अंदर क्या सभी को मौका मिलेगा? 3.5 लाख युवा सभी को इसमें एग्जाम का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे? इस विषय में मीटिंग चल रही है और जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं सीईटी से रिलेटेड, आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिल रही है। तो हरियाणा की सबसे पहले हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी भर्तियों की आज ही आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक एक अपडेट एक एक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसका फॉर्म आपने भर रखा उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, आप कभी भी कमेंट करके पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट होता है तो कभी भी टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लिया करो, कमेंट करके पूछ लिया करो। जो आप टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप सभी की हेल्प करने के लिए बना रखा है, वहां पर बिल्कुल आराम से हर एक चीजें पूछा करो। तो सीईटी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं आपको हर एक समय पर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीईटी का एक नया लेटर जारी हुआ है, सीईटी क्वालिफाई को लेकर हरियाणा सरकार इसके ऊपर क्या अपडेट दे रही है, क्या जानकारी आ रही है, एक बार आपको दिखाएंगे, बताएंगे, डिटेल से समझाएंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा जो न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी के सामने 9 तारीख की रहने वाली है। 9 तारीख का मतलब है कि इससे रिलेटेड अब नया अपडेट क्या है वो भी आपको समझाएंगे। हरियाणा के युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब से मिलकर फिर से मौजूदा भर्तियों में ग्रुप सी सीईटी को क्वालिफाई करने की मांग को रखा गया है। सीईटी का जो आपका एग्जाम आपने दे रखा है, सीईटी का क्वालिफाई करवाने के लिए बच्चे इकट्ठा हुए थे और जो हरियाणा के जो सीएम साहब है उनको बोला भी, उनके साथ मीटिंग भी हुई है, युवाओं ने आवाज उठाई है कि जो मौजूदा भर्तियां सीईटी में उनमें क्वालिफाई करना चाहिए। चंडीगढ़ आवास पर मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती से भी मिले हैं बच्चे, जिसके लेकर सीईटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं को आग्रह करने के बाद सीईटी क्वालिफाई करने का मंथन लिया है। सरकार चाहती है कि अगर सीईटी क्वालिफाई किया जाएगा तो अगली भर्तियों पर जो लागू होगा उसमें होगा, मगर युवा चाहते हैं कि मौजूदा जो भर्ती है उसमें ही लागू होना चाहिए। सरकार को लगता है कि अगर ऐसा किया तो भर्ती अदालत में फंस जाएंगी। युवाओं ने कहा है कि अगर मौजूदा भर्तियों पर सीटी क्वालिफाई नहीं किया तो भर्ती अदालत में फंसेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के जो अनुसार जो भर्तियों के उम्मीदवार का यूनिक उम्मीदवार मानकर शेष जो कैटेगरी है ग्रुप सी की, जो उसमें अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था, मगर हाईकोर्ट ने शॉर्टलिस्ट करने के इस फॉर्मूले को सही नहीं माना है। तो अब भर्तियां आपकी जो चल रही है ग्रुप सी के अंदर, जो ग्रुप 1, 2, 56 और 57 के पदों पर पूर्ण विज्ञापित आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी लास्ट डेट आज के दिन थी, 10 जुलाई पर रहने वाले थे। जो भी आपने फॉर्म भरे उनकी लास्ट डेट हो चुकी है, परंतु जो पूर्ण विज्ञापन जो पदों पर पहले से वापस ले लिया गया था सीटी क्वालिफाई अधिसूचना को, अब की बार 15 सितंबर 2024 के आसपास विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा हो सकती है। इसलिए सरकार चाहती है कि मौजूदा भर्तियां पुराने सीटी के अनुसार हो, नई भर्तियां नए सीटी के अनुसार हो सकती है। तो मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि अब की बार हरियाणा सरकार ये चीज सोच रही है जो मौजूदा भर्तियां हैं इनको हम जो सीईटी के जो नियम्स है, जो रूल्स बने हुए हैं उसी के आधार पर करेंगे, परंतु अगली साल जो हम सीईटी लेंगे 1 साल का, उसमें हम नया सीईटी में सभी बच्चों को मौका दे सकते हैं। परंतु वैकेंसियां तो अब की बार इतनी ज्यादा है, अब की बार ही मौका मिलना चाहिए। 3.5 लाख युवा है जिसके अंदर एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो
लगी हुआ है उनको चार गुना की बजाय एक बार सबको मौका मिल जाए। जो भी बच्चा इच्छुक उम्मीदवार होगा, पढ़ाई में आगे होगा, वो निकल जाएगा। तो आपको चार गुना वाले के बजाय अगले सीटी के क्वालिफाई होने की बजाय आपकी बार ये बच्चों को मौका मिलना चाहिए। काफी लंबे समय से बच्चे सभी वेट कर रहे हैं, ऊपर से विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो जो डेली नियम बदलने वाले सिस्टम है लग गए, जो आपके विधानसभा चुनाव का जो टाइम है वो कम बचता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है सितंबर के आसपास विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो उसको देखते हुए भर्तियों को करना बहुत ही जरूरी है। तो सीटी अब आपका क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उसके अंदर एक वीक के समय के अंदर आपको सारी चीजें क्वालिफाई होगा या नहीं होगा वो चीजें आपको पता चल जाएंगे। परंतु अभी तक खबर ये मिल रही है कि सीटी जो अभी फिलहाल नियम है इसी के आधार पर करवाया जाएगा और आगे जब नया सीटी होगा उसमें सब बच्चों को मौका मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई और मेरी बहनों, हर एक खबर जो भी मिलती है आप तक पहुंचाते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं आपको मिल जाते हैं। ये छोटा सा अपडेट था, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।